वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप इनको लेकर आए, सब्जी वाले जो है अल्लाह को इज्जत दे और कामयाबी दे। आपका वो गाना देखा है, उफ तूफानी, ऐसी बातें नहीं करते, थोड़ा प्यार दे ओ जाने जा। देखो कसम दी यकीन नहीं आता मैडम नाल बैठे से आप। मैडम मेरे घर चाहे तू नहीं आना। मैं की भी आती है आपकी नथली अच्छी लग रही है पहनी हुई। ओके अच्छा आप तैयार हो ना, मैडम आने वाली अभी। हाँ मैं तैयार हूँ। तो वो बदतमीजी नहीं करनी और मैं नहीं करेगा। भाभी आप भी ठीक है ना? नहीं मैं। वालेकुम सलाम। एक मिनट मैडम आए प्लीज प्लीज। ये आगे रेहान और इनकी मिसेज आ गई हैं। चलो बड़ी मेहरबानी आपकी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या रेहान कैसे हो तुम? यही ना, मुझसे वादा किया था 3 महीने हो गए इस बात को, लेकिन ये लेके नहीं आए मैडम। खुश हो। अरे बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप इनको लेकर आए, सब्जी वाले जो है ये माशाल्लाह रेहान इस वक्त अल्लाह को इज्जत दे और कामयाबी दे। और मैं बड़ा थैंक्स बोलूंगी मियां बीवी को कि थैंक यू कि आप लोग आए हो। और रेहान ये है कि अभी तो हम थिएटर में हैं, तमासिल थिएटर में है ना, ये थिएटर ड्रामे का पता है कि नहीं? हाँ ड्रामा, ये इतने ज़ाद भाई ने दिखाया है। मैं आपका वो गाना देखा है, उफ तूफानी, ऐसी बातें नहीं करते, वो वाला गाना भी देखा है, थोड़ा प्यार दे ओ जाने जा। कोई बात वो करो जो मेरे बड़े होने की, ये तो मेरे बचपन की बात है। मैं आप काफी देर से देख रहा हूँ। भाभी को बात कर, भाभी आप कसम दी यकीन नहीं आता मैडम नाल बैठे से आप। मैडम हाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं मिसेस रेहान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जी जी मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ। अल्लाह की रहमत आए, हमारे बच्चे आए, वो भी आपको देखते आए, मुझे ले जाइए। ये जैद भाई दावत दिया है आप मैडम औरा ने। हाँ मैं दावत दे रही हूँ जाहिद साहब आपने ना, ये तो थिएटर आके मुलाकात होगी इनके साथ पता चल गया और ना, लेकिन अब आपने इनको घर पे लेकर आना है। रेहान आप मेरे घर पे आओगे? मैं आऊंगा, ये बीवी भी मेरी आ जाए। हाँ तुम्हारी बीवी साथ ही आएगी। हाँ जरूर। दोनों मियाँ बीवी आओगे, को रहने दोगे तुम? दोनों आ सकते हो तो आ जाना। जैद भाई फिर हमें माफ कर देना, मैडम कह रही है भाई तुम दोनों ने घर पे ना कुछ जगह कम होगी ना, तो ये दोनों जरा आ जाएंगे तो आपको मैं फिर बुला लूंगी। ठीक है ठीक है, ये ना भी आए तो मैं आऊंगा। चलो कोई नहीं हो ना जुली, आ तगे पहले तो आगे वाला ना जुली। अभी मैं आपका भाई हूँ, अकेले जाएंगे आप? चलो कोई नहीं, ऐसा एक दाग कट्ठे चले। ठीक है ठीक है मैडम, आ जाए ना तो आप बेफिक्र, इनको कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कैसा लग रहा हूँ? बड़ी अच्छी लग रही है, बीवी बैठी हुई तुम्हारी साथ। मैं हीरो लग रहा हूँ, फिल्मों में आ सकते हो? पहुँच ये बात नहीं करते फिल्मों में आने वाली। ठीक है मैडम आपकी बड़ी मेहरबानी। और फिल्म में यहाँ पे नहीं लड़ना, यहाँ पे नहीं लड़ना। कूल 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 का मतलब पता है? नहीं कुल्फी। कुल्फी नहीं मतलब ठंडा रहता है, सुकून नाल बोल, कोई नहीं लड़ना नहीं है, मेरे घर चाहे तू नहीं आना। मैं तराकी भी आती है, मैं इंजॉय कर रही हूँ ना, मुझे तराकी भी आती है। मैडम मैडम मुझे कोई चांस मिल सकता है फिल्म? अल्लाह की कसम मुझे यकीन ही नहीं हो रहा भाई आपके साथ बैठे हूँ। मैंने तुम्हें पता क्यों बुलाया है? हमारा एक एक्टर है ठीक है, सजा शोकी मुल्तान से। अच्छा तुम्हारी शक्ल उसके साथ बहुत मिलती है, तो मैं चाह रही हूँ कि ना तुम्हें मैं हीरो बना के वहाँ पे लेकर आऊँ, फिल्मों में भी थिएटर में भी, और उसका नाम है सजाद शौकी। तो मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें मैं शौकी बोलूँ ना, उसकी शक्ल जब देखती हूँ ना। शौकी कहले आप जो शौकी कह लो। हाँ मैं आवाम से भी अपने व्यूअर से भी पूछना चाहता हूँ कि मैडम चारी के इनकी शक्ल सजा शौकी से मिलती है, क्या इन्हें शौकी कहना चाहिए, सजा शौकी, ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मैं कह लूँ ना इसको शौकी, तुमने देखा है? जी जी जी। तो ठीक है आपकी नथली अच्छी लग रही है पहनी हुई। ये गेटअप है मेरा, उसमें इसलिए मैंने पहने हुई गेटअप किया हुआ है, मैंने पूरे पूरे बाल किए हुए हैं, ये शुरू से ऐसे है। ड्रामे वाली है ना, तब भी मेरे बाल गोल्डन ही थे। ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते। कुछ खाना पीना है तो वो मैं मंगवाऊँ आपके लिए? क्या खाना पीना है? जो आप मंगा ले, ये मुझे रोक रहा है बार बार भाई, ऐसी बातें ना कर, जब आया मिलने के लिए फिर बात करनी है ना। अच्छा ठीक है आप बेफिक्र हो जाए, अब आपने मैडम
मैडम के घर जाना, ठीक है? हाँ, मैडम ने ड्रामा करना है, उनको जल्दी है। तो अब मैं गाने भी जा रही हूँ दोबारा। दो मिनट, ये वालियाँ पहनी हुई है, एडी बड़ी है, आप थक नहीं जाती? यूज टू हो चुके हैं हम लोग, गेटअप कर करके ना यूज टू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, डिजाइनर डिजाइनर। अब तुम लोग दोनों ने, मियाँ बीवी ने मेरे घर पे आने, तो उस दिन ये तार वाले कपड़े पहने ही नहीं, उस दिन घर पे थोड़ी तार वाले कपड़े पहनूंगी। नहीं पहनती? तुम्हें अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक आधा सूट मेरी सवानी को गिफ्ट कर। ऐसी बात नहीं करते, सब्जी ले आऊंगा। सब्जी में नहीं लेके जाते। चले, मैं मुझे भी इजाजत दे, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है घर पे, ठीक है? ओके, अल्लाह बड़ी मेहरबानी, खुश रहो। ओके, ठीक है मैडम। मैडम, मैडम ने हाथ मिलाया है मुझे। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, कुछ हाथ मिलाते हैं। अब हम माफी चाहते हैं आजाद भाई, तेरे को नहीं ले जाना, वो मैडम ने मना किया है। मुझे पता है रेहान, कोई बात नहीं, वो आपके सामने। हाँ हाँ, इस तरह नहीं कहते अगले बंदे को, हम आपको नहीं लेके जाएंगे। वो मैं कहता रहा वाला छूट देना मेरी सवानी को। किसी से गिफ्ट नहीं मांगते खुद, जो इंसान खुद गिफ्ट देता ना वो अच्छा होता है। ओके दी, चंगी लग रही थी ना? चंगी नहीं कहते, खूबसूरत लगी है ना मैडम? हाँ, मैं तो हरियाणा आपको मिली है मैडम। ओई जेड़ी का दिया ना फिल्मों में, ओ थोड़ा प्यार दे, मैं बड़ा देखा ये गाना। अच्छा मेरी गाल सुन, मैं कौन चंगा जो सूट गेंता रेसी, मैं मैडम के घर जड़ा पात वेसा महंगे। नहीं नहीं, तू लुतरे वाले कपड़े नहीं पावने। क्या मतलब? तू दुई सलवार कमीज पा दे। मैं नहीं पता, मैं चंगा सूट गेंसा, महंगा सूट गेंसा, वाते घर बात ही होन। मैं दसा देख मैडम गेन सडिया सडिया के वाते, तू जे मर्जी कपड़े पा। यार यहां पे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं को सूट गेंता रेसी। तू हर टाइम ये कादी, जैसे कोई ऐसी गल बात बने ना, हुन मैं इसको नवा सूट ला दे। लेके देना पड़ता है, एक फंक्शन है, क्या हो गया? कोई बात नहीं, बेगम की फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। इतने अच्छे भले पैसे कमेगा खड़े, सूट गिरने वास्ते पैसे क्या नहीं है करे मेरे। कोई बात हर बार ही लाया, मेरे भतरिया का वो थे अपना दमोन था, मैं ये अब परसों ले दिया इसको कपड़े। बात कोई बात नहीं भाभी, अगर अगर आप 11 रुपए नहीं लाया तेरा यक्का ही को भंडार होता रहता है। सूट का नाम गिरा, तकलीफ शुरू थी मेरी। मेरी भाना फिरावा के घर जाएगी, आंखें पर नवा सूट हो हर बारी। उनकी जड़ियां मेरे बिद्दू है फिराव की रहने आए, वो तो वो पाती है। मैं तो क्यों ही जाता रिदम चैनल पे, वो आराम करता भाई मैं। अच्छा यहां पे लड़ाई मत डालिए, हम उनके दफ्तर में आए बैठे हैं, अगर मैडम सुनेगी क्या कहेगी कि आप लोगों की लड़ाई करते हो। मैडम तो फिर आए हो? हां वो उनके साथ होते हैं। जी जी, वो भाई भी है और साथ होते हैं ये। अच्छा बरहल आपने लड़ना नहीं है? नहीं सीधी गल, सूट घेन दे से तो मैं वैसा ना, मैं नहीं दिख, तू वन थी। मैडम को आख्या नहीं भाई, तेन देसी सूट है। मैं मैडम का सूट क्या करना है? हाँ ये तो सुखी है ना, वो जरा सही है। यार वो अपना सूट नहीं देंगी, वो नया लेके देंगी। इसके नाप का? भाई नाप का नहीं होता, साइज का होता है। वो नया कपड़ा लेके देगा, अपने साइज का सिलवा लेना। मेरे को आप गहनते जैसे तो मैं वैसा ना, तो आप बनिए, मैं नहीं बनती। भाभी आप मत, ए साई लड़ाई पैसी, तू चल कर आगा। यार क्या हो गया भाई, आप यहाँ पे मुझे सही बात है, मतलब मैं और नहीं बनी मैडम ने घर, तू वन थी। तू है इथाई बेइज्जती करवाई थे तू? माया भाई नहीं कहते, मैडम कहते। हाँ वो मैडम ही कहने लगा था। नहीं वो आके गए नहीं मैडम पे घर आना। अच्छा शान पाकिस्तान, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको। तू शान पाकिस्तान रोला खाते, साढ़े घर दस रोला बन। मैं भाभी को नया सूट लेके दूंगा, भाभी आप परेशान ना हो। हाँ सीधी गाले, सूट दे सो तो मैं वैसा, मैं हूँ ना आपका भाई। पता ही तो बात बात, अब मैंने मेरी अम्मा समझा नहीं होती आई भाई, कोई मेहमान आया बैठा हुआ, कोई शायद नहीं मंगनी जेड़े निकल जाएगा। तू बात बात जो सुनाई दी बैठी होना, उस आख्या नहीं भाई मार लाया। मैं कुछ पता, मैं सूट गिनना है। क्या क्या हो गया मैडम, क्या सोचेगी ये मियां बीवी आपस में झगड़ते रहते हैं, आपके झगड़े की वजह से सारी आवाम पे परेशान। तू उठी बात हूं घर चल, इनसे इजाजत ले लें। अब आप एंकर हैं, आप नई व्यूअर्स की इज्जत करनी, इनसे इजाजत लिया करनी है, समझे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। अस्सलाम वालेकुम, एक दफे होता है, हर बात पे नहीं होता। मैंने अभी किया ही नहीं था पहले। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू में बात करनी है, आपके अक्सर सराइकी अल्फाज इनको नहीं समझ आते। अच्छा उर्दू में बात करें। ये वीगर, अस्सलाम वालेकुम। वीगर नहीं, वीवर, 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 यस, वीवर। अस्सलाम वालेकुम, ये रन कौन है? ये एक्ट्रेस है। सही है? नहीं नहीं, बुरी बात यार, सही है। मैडम, 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 आज मैडम वहाँ बैठे
कौन है ये? ये मेरी बीवी है, मैं रेहान। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने रेहान वाली वीडियो देखी नहीं है? ये सब्जी वाला जो आए। हाँ हाँ देखिए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी बीवी है, ये मैडम खुशबू से मिलने आए हैं इधर। अच्छा, उनसे मिलने आए हो? तो ये क्या शोर डाला हुआ है तुमने? एक ड्रामे का काम करेंगे। हाँ हाँ, बहुत बड़ी स्टार है ये। के ना ये फिरोजा, फिरोजा 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 फिरोजा। मैडम के ड्रामों में थे ना आप हैं? हाँ, अभी आपने जो ड्रामा देखा उनमें जो डांस किए इन्होंने बड़ा अच्छा सा। और ठुम के अच्छे थे आप। तमीज से बात करो, ये कैसे लोग आप ले आते हैं यहाँ पर? मैडम ये सादा आदमी है, ये अभी नया नया एंकर बने हैं, अभी अभी ये आए हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह अनकरीब ये आपका इंटरव्यू करने आएंगे। ये इंटरव्यू करेगा? हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हें इंटरव्यू के स्पेलिंग भी आते हैं? नहीं आते वो, मुझे भी नहीं आते। कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इंटरव्यू करेंगे। और ये बहुत अच्छे, किसी को घटिया नहीं समझते होते। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते। बात करो मेरे साथ, तुम जानते बदतमीजी हो रही है। मैडम आप बैठे, आप बैठे, एक मिनट आराम से बात करते हैं। जब इंटरव्यू करने जाते हैं अगले की बात सुनते हैं। ओ माई, मारा वहाँ तक लो गई है। माई नहीं कहते, माई किसको कहे? अच्छा मैडम, अच्छा माई कहे, तुम हो कौन? अच्छा मैडम, बाजी बाजी आराम। हेलो बाजी नहीं, मैडम कहते, मैडम कहते। ये अभी आए, ये देख, मैडम कहते बेइज्जत करवाने के लिए ले आया। यार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप तमीज से बात करें ना। मैडम आप कैसी हैं? ऐसे बात करते हैं। मैडम ये रेहान साहब हैं, ये आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप मुझे कब टाइम दे रही हैं? देखिए आप पहले इनको प्रॉपर वो ट्रेन तो कर लें, फिर मैं इंटरव्यू दे दूंगी। मेरी इंटरव्यू बहुत खूबसूरत करेंगे, बहुत करूँ इंटरव्यू। ये क्या बदतमीजी है? ये फनी इंटरव्यू करते हैं, दरअसल ये आपका साला चाह रहे हैं। ओ, फोन आ रहे हैं। सुनो जरा, ये फोन ले दिया है, मोबाइल ले दिया है तो। ओहो, इंटरव्यू के दौरान फोन सुन रहे हो तुम? कौन हो तुम? नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, बंद करो। नहीं रहते, पूछो अच्छा सा सवाल। आपका घर? आपका नाम? तू मेरे घर आना है, जरा घर पूछने इंटरव्यू कर सही तरह। आपका नाम क्या है? माइक अपने मुंह रखते ऐसे। इधर मेरी रान मुकाट दे बीच, ये ना आए बेच। अच्छा अब नहीं आएगी, अब तो चल रहा है ना, कोई बात नहीं। आ, ये बेच ना आए। मेरा नाम फिरोजा अली। ये फिरोजा अली आए। इतने डर के क्यों हो? मरने वाले क्यों हो जाते? हम ऐसा करते हैं, हम इन्हें पहले ट्रेन करेंगे। हाँ। फिर हम आपके पास लेके आएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे, मैं ऐसे इंटरव्यू नहीं देती, पता नहीं कहाँ से जाहिल को उठा के ले आए। चप्पल दे बच्चा, नहीं करते, नहीं करते, सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा ठीक है, नहीं मिलेगी। अच्छा मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको पहले नाजरीन हम माफी चाहते हैं, अभी हम इन्हें थोड़ा ट्रेंड करेंगे, इन्हें सिखाएंगे, तो अभी इनको नहीं पता कि इंटरव्यू। नाजरीन आप समझ रहे हैं कि कुछ माहौल ऐसा होता है, कुछ लोगों को अंडरस्टैंड करता है। भाभी एक मिनट, व्यूअर से इजाजत लेते हैं, एक मिनट व्यूअर से इजाजत लेते हैं, तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। शान पाकिस्तान को लाइक सब्सक्राइब। ओके अल्लाह हाफिज। ओके 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 ये जनानी चौक तो निकल पा मेरी अब भाभी बात तो मेरी कर निकल जाते हम अब मैं मेरे बुआ जाते। अच्छा निकल बाहर, तेरे को पता आर्टिस्ट का इंटरव्यू में कर।